हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपको मैं टीका लगा रखी तो समझ में आ गया होगा कि कुछ अलग बताने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी ब्राइडल बन हेयर स्टाइल। उसके लिए मैंने टीका पहले ही सेट कर लिया। जब भी आप हेयर स्टाइल करते हो तो पहले टीके को सेट कर लेना है, देन मैं बीच मांग से बता रही हूँ, आप चाहो तो साइड मांग से भी कर सकते हो। तो इसके बाद से आपको क्या करना है, जैसे हमने टीका लगा लिया है उसके बाद अपने क्राउन एरिया से हेयर को लेना है, अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद से हल्का सा आगे की तरफ पुल आउट करना है, देन इस पर सेटिंग स्प्रे लगा देना है। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद से हल्की हल्की सी लाइनिंग बना लेंगे इसमें। प्रॉपर लाइन नहीं बन रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो, सेल्फ बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है आप अगर इस तरीके से कर रहे हो तो इस तरीके से पफ बना लेने हैं। उसके बाद से आपको दो क्लिप्स लेने हैं इस टाइप की, और इससे अपने बालों को सेट कर लेना है। जब भी आप क्लिप्स लगाते हो तो आपको ध्यान देना है कि आपकी क्लिप इस तरीके से क्रॉस में लगी हो, एक दूसरे को दबाती हुई। इससे क्या होगा कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो वैसे का वैसे रहेगा, बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो ये पफ बनाने के बाद से आपको क्या करना है, थोड़ा सा हेयर और लेंगे फ्रंट से, जिससे कि जो हमने ये अपना फ्रंट में क्लिप्स लगाई थी मांग टीके को सेट करने के लिए, वो अच्छे से हाइड हो जाए। ओके, अब इसको अच्छे से कॉम कर लेंगे। कॉम करके अपने पफ के ऊपर ही अच्छे से फैलाते हुए इस तरीके से रखेंगे, देन सेटिंग स्प्रे लगाएंगे। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद से हल्का हल्का सा इस तरीके से खींच लेंगे बालों को, ताकि कहीं से भी ये बाद में हमारा हेयर स्टाइल बिगड़े नहीं, पहले ही आपको इसको सिक्योर कर लेना है। थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाता है इस तरीके से खींचने से, एकदम पतले पतले हाथों से पतला सा इस तरीके से पकड़ के खींचना है। ओके, आप देख सकते हैं इस तरीके का लुक आएगा। देन इसके बाद से आपको क्लिप लेना है, इस टाइप का क्लिप, उसके ऊपर ही सिक्योर कर देंगे। आप अगर सेल्फ रेडी हो रहे हो, खुद से रेडी हो, तो आप इस तरीके से ब्राइडल बन बना सकते हो, जिससे कि आपका जो लुक है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये हमने बना लिया है। अब आपको क्या करना है, साइड से जो आपका हेयर है इसको अच्छे से कॉम करेंगे, इतना हेयर पकड़ेंगे और ऐसे अच्छे से कॉम करेंगे, देन इस पर सेटिंग स्प्रे लगा देंगे। सेटिंग स्प्रे लगाने के बाद से आपको इसमें थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से खींच लेना है, जिससे कि आपका जो लुक है वो अच्छे से आ जाए और ब्राइडल जैसा लुक आए आपके बालों का। इस तरीके से खींचना है, देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा दिख रहा है इस तरीके से। अगर आप बैगिनर शो आपसे नहीं हो रहा है तो आप दो तीन बार ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा। पूरा एंड तक, जहाँ तक आपकी क्लिप जा रही है, मतलब क्लिप जहाँ पे ऐड करना है वहाँ तक बनाना है, देन पीछे से इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर लेना है। ओके, ट्विस्ट करने के बाद से हल्का हल्का सा खींच लेना है और इस पर क्लिप से इसको सिक्योर कर देना है। सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड से भी करना है। फिर दूसरी साइड से लेना है हेयर को।
इतना बनाने के बाद से आपको बैग में अच्छे से कॉम कर लेना है। कॉम करने के बाद से एक रबर बैंड लेना है, देन यहाँ पे आपको लगा लेना है। रबर बैंड लगाने के बाद से सिंपली आपको लेना है एक डोनट बन। डोनट बन को अच्छे से अपने जूड़े के अंदर इस तरीके से इंसर्ट करना है, देन हाफ ईयर को ऊपर की तरफ लेना है। बीच से इतना हेयर लेके आपको बीच में ही इसको सेट कर देना है, इसका यूज हम बाद में करेंगे। बाकी हेयर को धोने बंद के चारों तरफ फैलाते हुए धोने बंद को अच्छे से हाइड करते हुए एक यूपिन रबड़ बैंड से इसको सिक्योर कर लेंगे। एक सेकेंड इस तरीके से करना है, देन सारे हेयर को फैलाना है। एक पतला सा लेयर लेना है, फिंगर को इस तरीके से इंसर्ट करते हुए लेयर को निकाल देना है एंड सारे हेयर को नीचे की तरफ करके फिनिशिंग लुक से रबर बैंड को लगा देना है और डोनट बन को चारों तरफ से हाइड कर देना है अच्छे से। ओके, हाइड करने के बाद से आपको यूपिन से इसको सिक्योर कर देना है डोनट बन को, ताकि अपनी जगह पे टिका रहे। और जो आपका बीच का मैंने लेयर छोड़ा था उसको सिंपली ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करके बहुत अच्छे से टाइटली ट्विस्ट कर देना है। ट्विस्ट करके जब आप उसको छोड़ोगे तो कुछ इस तरीके का लुक आ जाएगा इसका, और इसको सेंटर में एकदम सेट कर देना है, जिससे कि आपके बन का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा। दो यूपिन से इस तरीके से सेट कर देंगे तो इस तरीके का लुक आ जाएगा। फिर आपको हेयर को सिंपली ट्विस्ट करते हुए ऊपर से लेके आना है, और जितने भी साइड में हेयर है उन सबको मिलाते जाना है ट्विस्टिंग के साथ। और यूपिन से सिक्योर कर देना है। तो आप इस तरीके से सेल्फ ब्राइडल बन खुद से बना सकते हो, जो कि काफ़ी इजी है और काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा आपका पार्टी मतलब वेडिंग में लगेगा, जैसे अपने पार्लर से करवा के आया है ऐसा ही। उसके बाद अपने जूड़े को आप सजा सकते हो जूड़ा गजरे से, या फिर जो जूड़ा वाला फ्लावर आता है यूपिंग आते हैं उससे अच्छे से सजा सकते हो। तो कैसे सजाना है वो मुझे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इतने सारे फ्लावर वाले यूपिंग्स हैं, इससे आपको सजा लेना है अपने जूड़े को। तो एक एक यूपिंग हम सेंटर में लगा देंगे, देन बाकी सारे चारों तरफ से इस तरीके से लगा देंगे। छोटा वाला ही फ्लावर वाला जो ये होता है ये ज़्यादा अच्छा लगता है बड़े वाले रोज के मुकाबले, मुझे मतलब पर्सनली पसंद है। बाकी आपको आपको जैसा अच्छा लगता है आप वो ऐड कर सकते हो अपने बन में। जितने लगाने हैं उतने ऐड कर दीजिएगा। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। इसके बाद से आपको क्या करना है, जैसे हमने हमारी प्रॉपर लाइन वगैरह यहाँ पे बन चुकी है आप देख सकते हो। अगर यहाँ से आपको लग रहा है कि अच्छे से
लाइन नहीं बनी है तो आप थोड़ा सा सेटिंग्स पे लेके इस तरीके से खींच के बना सकते हो। दोनों साइड से हमारी सेम तरीके से हमने लाइनिंग बनाने की कोशिश की है। आपको आई होप कि वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसके साथ गजरा ऐड करोगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो कैसा लगा आप लोगों को? फ्रंट से कुछ इस तरीके का दिखेगा, साइड से ऐसा लुक आएगा, देन बैक पे इस तरीके का लुक आएगा। तो मैंने ये खुद से सेल्फ ब्राइडल बन बनाने की कोशिश की है। आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कीजिए। आप किसी की हेल्प से बनवाओगे तो बहुत ही प्यारा बन जाएगा, लेयर्स निकालोगे तो और भी अच्छे लगेंगे। और भी आपको इस तरीके की वीडियोज़ देखनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और भी इस तरीके की वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।